नमस्कार दोस्तों, नैन्सी ब्यूटी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई वीडियो। उससे पहले मैं आपके लिए लाई थी बुटीक टूर फर्स्ट, तो आज मैं लाई हूँ बुटीक टूर सेकंड। इसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी, मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने इस दौरान क्या चेंजेस लाए अपने बुटीक में और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे बुटीक में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से मैं धीरे धीरे पैसा कमाती गई और अपने बुटीक में लगाया, तो मैंने उसमें काफ़ी चेंजेस लेकर आई हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरफ लेके स्केल यहाँ पे लगाए हुए हैं, कील लगा दी और स्केल को यहाँ पे टांग दे। एक तो इससे दो फायदे हैं, एक तो स्केल हमारा सेफ रहेगा और दूसरा ये आसानी से हमें मिल जाता है। कहीं भी हम इधर उधर रख देते हैं तो उससे हमें नहीं मिल पाती चीज़ें। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कील लगा के ये दोनों स्केल जो है शेपर पट्टी और स्केल को यहाँ पर लगा दिया। और ये देखिए प्लास, प्लास की भी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इस तरह से प्लास इंची टेप इस तरह से मैंने इसको जो है लगा दिया। पिछली वीडियो में जब मैंने टूर फर्स्ट बनाया था तब उसमें नहीं था ये सब चीज़ें। और ये देखिए, ये मैंने पाइप और लगवाया, मेरे पास रखा हुआ था वेस्ट पाइप, घर में पाइप था पर्दे वाला, तो ये एक्स्ट्रा था। तो मैंने सोचा चलिए इसको ना ब्लाउजेस के लिए मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ, इस पर मैं ब्लाउज टांग देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये सलवारों के लिए है, यहाँ पे सलवारें टांगती हूँ मैं। और ये पीछे देखिए जहाँ तक है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको जैसे कि सूट है, तो इस तरह से जो है ये इंची टेप भी मैंने यहीं पर टांगा हुआ है। और ये देखिए, जैसे 2022 का कैलेंडर आया था मेरे पास दिवाली पर, तो मैंने क्या किया, जैसे कि कस्टमर को डेट देनी होती है उसके लिए ना, मैंने ये जो है कैलेंडर जो है मैंने काट के यहाँ पे चिपका दिया है। इससे क्या है कि कैलेंडर भी सेफ हो गया, कभी भी मुझे कस्टमर को डेट देनी हो तो यहाँ ईजिली मिल जाता है, फ़ोन में भी चेक नहीं करना पड़ता। तो ये देखिए, ये पोस्टर्स है ना, मैंने पिछली वीडियो में आप देखेंगे जाके, तो उसमें मैंने ये सब चीज़ें नहीं लगाई थी। इससे थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ता है कस्टमर के ऊपर भी, देखने में भी लुक अच्छा आता है दुकान का। तो इस तरह से मैंने ये जो है ना सूट में से जो ये निकलते हैं कार्ड, ये मैंने यहाँ पे सब जगह लगा दिए। और ये देखिए, ये सलवारें यहाँ टांगी हुई है, देखिए चौड़े पोचे की जो आजकल सलवारें चल रही हैं, ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है। अगर आपको पसंद हो तो बताइएगा कमेंट करके कि ये डिज़ाइन बनाना है, तो मैं इसको सिखाऊंगी आपको बनाना। एक पाइप मेरा यहाँ पर है, जैसे बताया ये छोटा पाइप मैंने नया लगवाया है और ये एक बड़ा पाइप है, तो इसमें जैसे मैं सलवारें अलग टांग देती हूँ और सूट अलग। और ये देखिए, एक वायर मैंने यहाँ पे लोहे की लगाई है, इससे क्या है कस्टमर जो भी पर्ची दे के जाता है ना उसको मैं इसमें लगा देती हूँ, ताकि कई बार ये हो जाता है ना, कई कस्टमर जो है पर्ची नहीं देते, तो उससे भी आपको भी कंफ्यूजन रहता है कि ये कस्टमर कई बार आ जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप देखना मेरी वो वीडियो, उसमें मैंने इसके बारे में बताया था क्या हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आप पिछली वीडियो देखिएगा उसमें पता चल जाएगा आपको, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये पर्ची मैं यहाँ लगा देती हूँ ताकि मुझे भी याद रहे कि हाँ ये कस्टमर का कपड़ा जा चुका है। तो इस तरह से ये देखिए, और ये देखिए, ये मैंने ना मशीन के कवर बनाए हुए हैं, इससे ना हमारी मशीन सेफ़ रहती है, इसमें धूल मिट्टी नहीं चढ़ती है, क्योंकि देखिए धूल मिट्टी आती रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, जब शॉप भी बंद करके जाते हैं तो ये सेफ़ रहती है, यूज़ करने के बाद इसको हम जो है कवर चढ़ा देते हैं। ये देखिए मैंने सारी मशीनों पर चढ़ा रखे हैं कवर, ये मैंने खुद ही बनाए हैं। अगर आपको भी सीखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, मैं आपको। ये देखिए, मैंने अपनी मशीन का ये टेबल भी चेंज किया है, ये फट्टा टूटा हुआ था इसका, तो ये बोर्ड मैंने नया लगाया है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये पुराना बोर्ड देखिए कितना पुराना हो गया है, ये टूट गया था जगह जगह से, जिससे कि ना मैं स्टिचिंग करती थी तो ये फंसता था कपड़ों में, तो इसलिए वो कपड़े भी ख़राब होते थे, मैंने चेंज कर दिया। और ये इंटरलॉक का टेबल भी चेंज करना है मैंने, वो देखिए नया रखा हुआ है वहाँ पर, ये देखिए ये बहुत ख़राब हो गया है, तो इसको भी मैंने चेंज करना है। वो देखिए उसका बोर्ड भी मैंने रखा हुआ है, तो उसको मैंने चेंज करवाना है आजकल में।
मेन बात आप देखिए, जो मुझे इसकी बहुत खुशी हुई थी, पहले मैं सिर्फ स्टिचिंग का काम करती थी, उसके बाद मैंने जो है मटेरियल अपनी लेकर आई। पहले ये देखिए, पहले मैंने बोर्ड लगाया, ये अलमारी, अलमारी जैसे कि देखिए देख रहे हैं आप, पहले यहाँ पे अलमारी नहीं थी। आप पिछली वीडियो मेरी देखिएगा, उसमें ये जगह बिल्कुल खाली थी, तो यहाँ पे मैंने अलमारी लगवाई। मैं आपको लिंक डाल दूँगी जिस वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने ये बोर्ड कितने में बनवाया और कितना चीप रेस्ट में ये बन गया था। तो ये देखिए मैंने काफ़ी मटेरियल भर लिया, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये देखिए इलास्टिक है, ये हर साइज़ का इलास्टिक है, जैसे ये 2 इंच का है, ये 1.25 इंच का है, और ये देखिए ये मास्क बनाने वाला इलास्टिक है। तो इसलिए इसमें हर तरह का इलास्टिक है, हर साइज़ का, जैसे भी आपको चाहिए हो जितना भी, तो वो है। और ये देखिए इंटरलॉक के धागे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे इंटरलॉक के धागे हैं। ये चौक है, ये देखिए चौक रखी हुई है, 2-3 कंपनियों की चौक है, जैसे कईयों को अलग अलग चाहिए होती है, अच्छी वाली भी लोकल भी चाहिए, तो वो सब चीज़ें हैं। और ये देखिए जैसे कि आप अस्तर देख रहे हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप अपना उसी में से कमा के, आपको कहीं एक्स्ट्रा से पैसा नहीं लगाने की ज़रूरत होती है, आप अपना कमाते जाइए, पहले थोड़ा थोड़ा काम शुरू करिए। और इस तरह से मैंने देखिए जैसे अपना काम बढ़ाया, आप भी अपना काम बढ़ा सकते हैं, तो आपको भी मेरी वीडियो देख के मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई हम भी ये काम कर सकते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं होती है, बस हमें थोड़ी सी हिम्मत और धैर्य। मैंने फॉल के डिब्बे और धागों के डिब्बे बाहर लगाए हुए हैं ताकि कस्टमर को आते जाते पता चले कि यहाँ पे मटेरियल भी मिलता है, क्योंकि अधिकतर सिलाई का ही सामान दिखता है, तो उनको लगता है यहाँ पे टेलर की दुकान। ये कार्ड है, गलों के कार्ड, तो ये मेरे पास पहले से ही है, पहले जैसे कि मैंने बताया मेरा पहले भी बुटीक था, तो इस तरह से ये देखिए मैंने कार्ड ले रखे हैं, तो कस्टमर को पसंद करवाने के लिए भी, आप कौन सा डिज़ाइन चाहते हैं, तो ये देखिए इतने सारे ये कार्ड हैं, तो ये मैं दिखा के उनको उनकी चॉइस जान लेती हूँ कि आपको किस टाइप का गला चाहिए, कैसे है, तो उसी हिसाब से मैं जो है ये गले बनाती हूँ। ये देखिए आप भी इस तरह से कार्ड परचेज़ कर सकते हैं, ये देखिए तो काफ़ी कार्ड है ये, तो ये देखिए बाजू के भी डिज़ाइन है इसमें, तो इस तरह से जो है हम ये काफ़ी सामान मैंने रखा हुआ है, तो आप भी इस तरह से रख सकते हैं। तो जैसे ये देखिए ये मैंने बॉक्स भी अब लेकर आई हूँ, पहले ये मेरे पास बॉक्सेस नहीं थे, तो इसलिए देखिए मैंने इसमें जो है ना चैन डाली हुई है, देखिए एक डिब्बे में मैंने चैन डाली हुई है, सूट वाली भी और पैंट वाली भी, जैसे लेडीज़ पैंट हम लोग बनाते हैं, ये देखिए छोटी छोटी चैन है जो ये लेडीज़ पैंट है, और ये जो है बड़ी जो है सूट में लगती है जिप वो है। तो ये देखिए और दिखाते हैं मैं आपको, इसमें देखिए लटकन है, ये देखिए, ये देखिए हर तरह के लटकन है, कई डिज़ाइन में, कई कलर्स में, ये देखिए इसमें भी लटकन है और ये दूसरे बॉक्स में भी लटकन है। तो इससे मैंने काफ़ी सामान कर लिया है फ्रेंड, धीरे धीरे ही होता है, एकदम से तो कुछ भी नहीं हो पाता। ये देखिए इसमें भी काफ़ी कलर और डिज़ाइन है, हर कलर के मिल जाएंगे, ये देखिए इस तरह से, देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, अगर हम चाहें ना कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए इतना परेशानी या टेंशन वाली बात नहीं होती कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है मैडम हम नहीं कर सकते, कई लोग यही सोचते हैं। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, हर वीडियो में मैं यही बात कहती हूँ कि आप परेशान मत होइए, बस धैर्य बनाइए और आप कोशिश करिए मैं अच्छे से अच्छा कर सकूँ। हर इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले। आप देख रहे हैं सैनिटाइज़र भी मैंने रखा हुआ है, जैसे कोई भी कस्टमर आते हैं तो मैं सैनिटाइज ज़रूर करती हूँ, जैसा कि दोस्तों आपको पता है तीसरी लहर आ चुकी है भारत में, तो अब हमें सेफ्टी से ही रहना है, तो मैंने पहले भी ऐसे ही किया था, सैनिटाइज़र रखा हुआ है, जब भी कोई कस्टमर आता है सैनिटाइज़ ज़रूर करती हूँ, तो हमें अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को भी और सामने वाले को भी। तो इस तरह से जो है ये देखिए लैस है, सारी लैस डोरी, तो ये सारा काफ़ी सामान है, ये देखिए ये भी लैस है, इसको हम साड़ी वाड़ी में लग जाता है, चुन्नी में किनारियों पे लगता है। तो इस तरह से मैंने फ्रेंड्स काफ़ी सामान अपने शॉप में कर लिया है, मटेरियल का भी लगाए हुए हैं, इसके ऊपर रेट भी लिखे हुए हैं कि ये बटन कितने के हैं, तो इस तरह से मैंने इसे डिस्प्ले कर दिया है। तो इस तरफ भी मैंने चार्ट लगाए हुए हैं, जो सूट में पर्चे आते हैं ना मैं उसी को चिपका देती हूँ, इसमें थोड़ा लुक अच्छा आ जाता है। वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इससे पहले जैसे कि आपने मेरी पार्ट 1 वीडियो को जो है प्यार दिया था, 13,000 से ज़्यादा व्यू आ चुके हैं फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ उससे भी ज़्यादा इस वीडियो में व्यू आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।